यूपी के शहजानपुर से सपा एमएलसी अमित यादव के लखनऊ स्थित फ्लैट में गोली चलने से एक युवक की मौत हो गई। दरअसल अमित यादव के फ्लैट पर बर्थडे पार्टी चल रही थी और इसी दौरान उनके भतीजे पंकज यादव की पिस्टल से 35 वर्षीय राकेश रावत नाम के व्यक्ति को गोली लग गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने एमएलसी के भतीजे के अलावा अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लापलास अपार्टमेंट में पिछले रात में 5 लड़के पार्टी कर रहे थे फ्लैट नंबर 201 में, जिसमें जो राकेश नामक लड़का है उसको गोली लगने से मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उस पार्टी में जो 5 लोग थे उसमें जो मृतक को छोड़कर बाकी 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ करने पर उन लोगों ने प्राथमिक तौर में ये बताया था कि मृतक जो है पिस्टॉल लेके आया था, उसी पिस्टॉल को पिस्टॉल एक्चुअली वो है कंट्री मेड है, इट इज़ नॉट लाइसेंस पिस्टॉल, उसी को देखने और उसी के साथ छेड़खानी करते वक्त फायरिंग हो जाती है बिना एक से और ये गोली मृतक को लगती है। बाद में जब पुलिस और गहनता से पूछताछ की तो इनके द्वारा बोला गया कि ये पिस्टल एक्चुअली पंकज का है और इसके अलावा इसके एक मैगजीन और 3 कार्टेजेस भी है जो बाद में इन्हीं की निशानदेही पे पुलिस रिकवर किया है। फिलहाल बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मृतक के परिवार वालों को संज्ञानित कर दिया गया है, उन लोग आके तहरीर दे रहे हैं, उसी के आधार पर आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। क्या ये कितने लोग हिरासत में हैं और ये जहां फ्लैट में जहां ये घटना हुई ये किसका फ्लैट था? अभी वर्तमान में जैसे मैं पहले बताया था 5 लोग कुल थे जो पार्टी कर रहे थे, उसमें एक की मृत्यु हो गई है और बाकी 4 पुलिस की हिरासत में हैं। क्या ये लोग शराबी पिए हुए थे? बिल्कुल, ये लोग शराब पिए हुए थे, इनके वहाँ से बीयर कैन वगैरह भी पुलिस ने बरामद किए हैं। और क्या बरामद हुआ है कमरे से? असल में जैसे मैं बताऊँ एक एक्स्ट्रा मैगजीन जो इनकी निशानदेही में बरामद हुआ है और 3 राउंड 3 फ्रेश राउंड्स। फ्लैट किसका था सर? फ्लैट था एमएलसी अमित यादव का जो सपा से हैं शाहजहानपुर से।